फ्रेंड्स, किसी भी केस का जीतना या किसी भी केस का हारना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पर, कि आप जो है कैसा एडवोकेट चूज़ करते हैं अपने केस के लिए। और अगर यहाँ पे आप अच्छा एडवोकेट चूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है आप जीती हुई बाजी भी हार जाएं, जो केस आपके हक में हो सकता है आप वही केस हार जाएं। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसा जो एडवोकेट है चूज़ करते हैं अपने केस के लिए, क्योंकि एक एडवोकेट ही होता है जिसको आपके केस के बारे में से पूरा नॉलेज होती है। वो आपका जो केस है कैसे जाके कोर्ट में प्रेजेंट करता है, किस तरह के केस जो आपका एडवोकेट वो लड़ता है, या आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि आपको कैसे एडवोकेट चूज करना है या कैसे नहीं करना है, यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि कैसे आपको एक अच्छा एडवोकेट चुनना है। क्योंकि अगर आपका एडवोकेट अच्छा होगा तो हो सकता है अगर आपका थोड़ा केस कमजोर भी होगा तो भी आपके जो जीतने के चांस रहते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एडवोकेट का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण रहता है किसी भी केस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज ए गुड एडवोकेट फॉर योर केस। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊं तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, एक अच्छा एडवोकेट चुनने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका वो केस है वो किस प्रकार का है। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो आपको ऐसा वकील यहाँ पे चूज करना है जो फैमिली लॉ में एक्सपर्ट हो। अगर आपका चेक बाउंस का केस है तो आपको यहाँ पे ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो चेक बाउंस के केस में एक्सपर्ट हो। और अगर आपका MACT का यानी कि मोटर एक्सीडेंट वगैरह का कोई केस है तो आपको यहाँ पे ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो कि MACT के केस में माहिर हो। अगर आपका लेबर लॉ का कोई केस है तो यहाँ पे आपको ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो लेबर लॉ में एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे आपको खुद देखना है कि जो आपका केस है वो किस तरह का है, और यहाँ पे आपको ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो उन केसों का माहिर हो, ताकि आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएं। यहाँ मान के चलता है कि आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो अगर आप यहाँ पे फैमिली लॉ में एक्सपर्ट किसी एडवोकेट को चूज करते हैं तो उसे फैमिली लॉ में बहुत अधिक नॉलेज होती है। उस एडवोकेट को यहाँ पे ये भी पता होता है कि जो फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट होते हैं उसे कैसे हैंडल करना है, यानी कि फैमिली लॉ के केसों को लड़ने के बारे में उसे एक एक्सपीरियंस होता है जो कि काफी काम आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सिविल केस है तो आपको यहाँ पे ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो कि सिविल केसों में माहिर हो। अगर आपका जो केस है वो क्रिमिनल नेचर का है तो आपको यहाँ पे ऐसा एडवोकेट चूज करना है जो क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करनी चाहूंगा कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो एडवोकेट किसी पर्टिकुलर केस में एक्सपर्ट हो आपको हमेशा वैसा ही एडवोकेट का चूज करना है। कई बार क्या होता है कि कोई एडवोकेट हर तरह के केस देखता है, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कोई चेक बाउंस का केस हो, या कोई भी केस हो, वो हर तरह के केस देखता है। और उस एडवोकेट का जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उस वकील को प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट में काफ़ी अधिक साल हो गए होते हैं वो, तो ऐसे में चाहे वो एडवोकेट किसी खास केस में माहिर ना भी हो, लेकिन उसका जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप उनको भी अपना केस देते हैं कि आपके जो केस जीतने के यहाँ पे चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आपके जो वकील का एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, आपके एडवोकेट का जो केस जीतने का जो एवरेज है वो कैसा है। यानी कि सपोज कर लीजिए आपके वकील ने अभी तक 100 केस लड़े हैं, उसमें से कितने केस जीते हैं, कितने हारे हैं, ये सभी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को देखते हुए खुद ही आपको अपना एडवोकेट चूज करना है, आपका जो केस है वो किस प्रकार का है, आपको उस प्रकार के केसों का माहिर एडवोकेट चूज करना है, या ऑल ओवर जिस वकील का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको वो एडवोकेट चूज करना है, या जिस एडवोकेट का जो विनिंग एवरेज है, केसों को जीतने का प्रतिशत ज्यादा है, आपको ऐसा एडवोकेट चूज करना है। सभी बातें देखकर ही आप एक अच्छे एडवोकेट का चयन कर सकते हैं, ताकि आपके जो केस जीतने के चांसेस हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।